हरिओम तस्सत, हरिओम तस्सत। देखो भारतीय शास्त्र के मुताबिक देखा जाए तो चार महारात्रि की बात बताई है, चार महान रात्रि है। पहली उसमें रात्रि आती है वो है शिवरात्रि। शिव का मतलब होता है कल्याण, ये कल्याणकारी रात्रि है। तो उस दिन क्या करना चाहिए, हम इतना ही मानते शक्करिया आलू जो बटाटा कहते हैं, आलू खाओ शक्करिया खा लो, उपवास हो गया, वेफर खा लो और हो सके थोड़ी भांग बनाकर पी लो, या भांग नहीं बना सकते मंदिर में जाकर या बाजार में मिलती है भांग पी लिया, हो गई शिवरात्रि। ये शिवरात्रि नहीं है, सिर्फ उपवास करना, उपवास भी हम सही ढंग से करते नहीं। आलू शक्करिया खाएंगे गैस बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। आपको क्या करना चाहिए, उस दिन मिनिमम खाना खाना चाहिए। ये मिनिमम रहेगा तो काम करने में उत्साह बना रहेगा, भर गया आप सो जाएंगे। तो भगवान की उपासना करना चाहते तो उसका मिनिमम रखो, पूरा भरना नहीं है। दूसरी बात, हो सके ये रात्रि का महत्व है तो रात के 12:15 से लेकर 12:15 के बीच में, यानी 12 से 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद में, ये समय पकड़ लीजिए, उसमें प्राणायाम कर और ध्यान में बैठ जा, बस इतना कर लो आपका काम हो गया। या तो फिर आप कोई मंत्र जाप करना चाहते तो कर सकते, पॉजिटिव आपका मन एक जगह पर रहेगा, जैसे कि ओम नमः शिवाय, राम राम, ओम श्री राम, या कोई भी मंत्र ऐसा कर सकते जो आपको अनुकूल है। तो मंत्र का जाप आप कर सकते, मैं तो इससे श्रेष्ठ कहता हूँ प्राणायाम करो और ध्यान में बैठ जाओ, ध्यान सबसे श्रेष्ठ है। और बिस्तर पर ही कर लेना है, मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे ठीक है, लेकिन क्या मंदिर में ही भगवान है तो दूसरी जगह नहीं है? अगर मैं ऐसा मानता हूँ मंदिर में ही भगवान है तो दूसरी जगह नहीं है, अरे सब जगह है, कण कण में है, कहाँ भगवान नहीं है? प्रश्न तो ये कहाँ नहीं है, सब जगह है, वही तो है, जीवन तत्व वही है और कुछ नहीं है। तो आपको शिवरात्रि के दिन ये सब तो करते हैं, हो सके ध्यान करना चाहिए, क्योंकि शंकर ध्यान से ही प्राप्त होते हैं, शिव जी कल्याण हमारा ध्यान से ही होता है। पूजा पाठ उपवास करते हैं या रुद्र करते हैं, ये सब करते हैं सब चलेगा, जो आपको पसंद है कर सकते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है, अगर उसमें भी माला करना है तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है ध्यान। या तो ज़्यादा बैठना चाहते हैं तो 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में ध्यान कर लो 1 घंटे का, और उसमें ही बस लेट जाना है धीरे धीरे, ऐसा तो बिस्तर पर ही करना है, लेट जाओ सो जाओ आंखें बंद ही रखो तो पूरी नाइट आपका ध्यान चलता रहेगा। तो चार महारात्रि की मैं जो बात करता हूँ, पहली आ गई शिवरात्रि, कल्याणकारी रात्रि है, हमारा कल्याण होता है। दूसरी रात्रि आती है अब 1 महीने के बाद आएगी होली, वो होली है उसको कहा जाता है दारुण रात्रि, दारुण मतलब वो करुणा है वाली है। आप सोचो कोई एक अग्ना चिता जलाई, उसमें कोई जिंदा लड़की सुलग जाती तो क्या होगा। होली का वो हिरण्यकश्यप की बहन, वो प्रहलाद की फूफी होती थी, उसका ध्येय तो यही था कि मैं प्रहलाद को जलाकर राख कर दूं। हम सब जानते हैं वो चुनरी होकर बैठ जाती है, लेकिन क्या होता है हवा का झुकाया चुनरी उठकर कहाँ गई, प्रहलाद के पास, तो प्रहलाद बच गया, होली का उसकी फूफी जलकर मर गई। वो दारुण रात्रि, लेकिन वो पवित्र है, क्यों, धर्म का विजय हुआ अधर्म का नाश हुआ, जो सत्य था वो बच गया, असत्य था खत्म हो गया, यानी देव बचे दानव खत्म हो गए, यानी देव वृत्ति वाले बच गए दानव वृत्ति वाले मर गए। तो वो रात्रि का भी महत्व, वो संध्या काल में घटना घटी थी लेकिन ये रात्रि का महत्व है। तो दूसरी रात्रि हो गई दारुण रात्रि, होली का दिन। तीसरी रात्रि है जन्माष्टमी, उसको कहा जाता है मोहरात्रि,
रात को 12 बजे कृष्ण ने जन्म लिया जेल में, सब मोह में पड़ गए, सब जो सैनिक थे सब मोह में आ गए, बेहोश हो गए अपने आप। वो वहां से देखो कहां से, मथुरा से वो गोकुल गए, बीच में जो यमुना नदी सब कुछ, श्रावण महीना, बादल गरज रहे थे, बारिश आ रही थी, कुछ नहीं हुआ, आराम से वो पहुंचे। मोहरात्रि हम सब मोह में आ जाते हैं, तो उस रात को भी प्राणायाम ध्यान करना चाहिए। मैं ध्यान ही कहता और कुछ नहीं। और उसके बाद आगे की जो रात है उसको कहा जाता है चौथी रात्रि, इसको कहते हैं काल रात्रि। काल काल रात्रि कौन सी है? दिवाली की अगली रात, जिसको बोलते हैं काली चौदस, काल रात्रि। तो मंत्र तंत्र जंत्र स्मशान में जाकर भी कई लोग करते हैं, लेकिन आप शुद्ध अपनाइए, वो रात्रि का भी महत्व है। तो रात को घर पे ही बैठकर प्राणायाम ध्यान कर लो, इनफ है। तो चार मेन रात्रि हो गई, शिवरात्रि, होली की रात्रि, जन्माष्टमी और लास्ट में काल रात्रि। पांचवी रात्रि भी है, लेकिन वो पांच रात्रि कौन सी है? समूह में है, जिसको बोलते हैं नवरात्रि। ये सब एक एक रात्रि का महत्व है। तो चार रात्रि में, लेकिन पांचवी जो है वो है नवरात्रि। नवरात्रि का समूह हो गया, वो रात्रि का भी महत्व है, लेकिन वो नौ रात को आपको पूजा पाठ उपासना करनी चाहिए। तो ऐसे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ध्यान करो, आपका काम सरल हो जाएगा। नहीं, अष्टमी की रात, अष्टमी की रात, आठ ही अष्टमी और नवमी के बीच की आठम कहते हैं। तिथि कब से होती है? सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक गिनती होती है। वार कैसे गिनती होता है? सूर्योदय से लेकर सूर्योदय तक। आज बुधवार है, रात को 12 बजे डेट बदल गई तो चेंज हो गया? नहीं, हमारा वार चेंज होता है अगले सूर्योदय तक। अगर मैं बुधवार का उपवास करता हूं तो मुझे आज सूर्योदय से शुरू कर दिया मैंने उपवास, नेक्स्ट बुधवार तक रात को 12 बजे छोड़ दिया, ऐसा नहीं, अगले सुबह सूर्योदय तक मुझे करना चाहिए, तब ये होता है। तिथि भी वैसे होती है, लेकिन तिथि बीच में भी चेंज हो सकती है, वो टाइमिंग आप देख कर कर सकते हैं, लेकिन तिथि भी प्रयोग करना है सूर्योदय से, सूर्योदय वही तिथि गिनती है। लेकिन सूक्ष्म में जाना चाहते तो तिथि बीच में भी जब 11-12 बजे चेंज हो जाती है तो ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। वो टोटली रॉन्ग है, यही तो मैं समझाया, यही तो मैंने बात की, टोटली रॉन्ग है। अष्टमी सूर्योदय से सूर्योदय तक है, वही तो मैं कहता हूँ, ध्यान से सुना होगा तो प्रश्न होता ही नहीं आपको। वो तो रात को 12 बजे चेंज होता है, वो तो हमने एक प्रयोग, ये इंग्लिश डेट के मुताबिक चेंज करते हैं, डेट चेंज हो गया, वार चेंज हो गया, ठीक है, हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर उपवास पूजा पाठ करना चाहते हैं तो सूर्योदय से सूर्योदय पकड़ना है, व्यवहार में चलता है, व्यवहार में करना है तो रात को 12 बजे डेट बदल गई, ठीक है, वो वेस्टर्न कल्चर है, इसके साथ डे भी बदल गया, ठीक है, लेकिन उपवास के साथ लेना चाहते, कुछ करना चाहते, मान लीजिए बुधवार के दिन शादी हुई तो लेडीज जो लड़की होती है वो वधू को घर से विदाई नहीं करते, तो कब करते हैं? रात को 12 बजे 1 बजे करते हैं, सूर्योदय होने के बाद, तब गुरुवार हुआ तब करते हैं, बस ये सूक्ष्म जान लीजिए, यही तो है, यही जानना जरूरी है। अस्तु, हरिओम दशरथ।